नाउ वी हैव दीस फोर मोर क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वाड्रेटिक है एफ एक्स विच इज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होता है? सो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होता है अगर ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो. ग्राफ में आपको सिखाया था, जब 6 ग्राफ बनवाए थे मैंने, 6 ग्राफ बनाए थे तो वहां पे आपको सिखाया था. तो कहता है एक नया फंक्शन है जी एक्स जो कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स है, उसके बारे में बताना है कि वो हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, या नन ऑफ डीज होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, इसको बाद में करते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले एक एफ एक्स ले लेते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा 2ax प्लस बी और एफ डबल डैश एक्स होगा 2a. नाउ द क्वेश्चन इज जी एक्स इज इन तीनों का सम. तो जब जी एक्स फाइंड करोगे, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी प्लस सी. अब आपको बताना है कि ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है या फिर कुछ भी हो सकता है या जीरो है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वापस वही ए और डी की बात करते. नाउ वी आर ऑलरेडी गिवन दैट इसका ए जो है वो पॉजिटिव है और डी जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है. यहां पे भी जो ए है वो पॉजिटिव आ गया, डी फाइंड कर लेते. पॉज करो, इसका डी फाइंड करो. इसका डी कम्स आउट टू बी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस 4a 2a प्लस बी प्लस सी. दैट गिव्स मी 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc. नाउ यू सी 4ab 4ab कैंसिल हो गया. 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर इज माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर. नाउ टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग वी नीड. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो यू सी दैट इसका d नेगेटिव था, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव था. b स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है, मतलब ये पार्ट नेगेटिव है. अब ये नेगेटिव है, उसमें 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्टीमेटली आपको नेगेटिव ही आएगा. देख लो ध्यान से, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है. नेगेटिव में माइनस 4a स्क्वायर करोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा. इसका मतलब इसमें भी a पॉजिटिव आया, d नेगेटिव आया, मतलब जी एक्स विल ऑल्सो बी लेस दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. जी एक्स विल ऑल्सो बी लेस दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर. दैट इज क्वेश्चन नंबर वन. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. ये क्वाड्रेटिक है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक है. आई एक्स स्क्वायर माइनस टू वन प्लस आई एक्स प्लस टू माइनस आई इक्वल टू जीरो. इसका एक रूट है टू माइनस आई, तो उसका सेकेंड रूट क्या होगा? सिंपल, टू प्लस आई. इसमें तो क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं, नॉन रियल रूट जो होते हैं, वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं. तो 2 माइनस आई है तो दूसरा रूट 2 प्लस आई होगा. लेकिन दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने बोला था कि नॉन रियल रूट पेयर में तभी होंगे जब ए बी सी रियल हो. यहां ए बी सी रियल नहीं है, तो कॉन्जुगेट पेयर में रूट का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा. सो वी कैन नॉट यूज दिस. तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं, फॉर्मूला तो हर जगह काम आता है. तो लेट्स यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर वन प्लस आई का स्क्वायर टू आई आएगा. वन प्लस आई स्क्वायर प्लस टू आई. आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, अब तक आपको पता होगा. माइनस फोर ए इंटू सी टू आई माइनस आई स्क्वायर. सो अपॉन टू ए इज आई. एक काम करता हूं मैं,
अंदर का ये फोर फोर टू टू कैंसिल कर दिया, ये समझ लो। तो आई एम लेफ्ट विद वन प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट टू आई, माइनस टू आई कैंसिल हो गया, माइनस आई स्क्वायर इज वन, वन माइनस के साथ माइनस वन अपॉन आयोटा। व्हाट डू वी गेट? वन प्लस आई प्लस माइनस आई अपॉन आई, प्लस वाला साइन लोगे तो वन प्लस टू आई अपॉन आई आएगा, और माइनस साइन लोगे तो वन अपॉन आई आएगा। वन अपॉन आई प्लस टू एंड वन अपॉन आई, लेकिन वन अपॉन में आई नहीं अच्छा दिखता है, तो हम उसमें आई का कॉन्जुगेट माइनस आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और यहां माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा नीचे। माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू वन होता है, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है। तो आई मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई, माइनस टू आई स्क्वायर इज प्लस टू। सो दीज आर द टू रूट्स, एक रूट है टू माइनस आई और दूसरा रूट है माइनस आई। तो एक रूट टू माइनस आई, दूसरा देखो माइनस आई आया, टू प्लस आई नहीं आया, क्योंकि वो सम कोएफिशिएंट रियल होने में ही होता है। एक और आइडिया मेरे पास, सेकंड मेथड यू कैन से कि जो सम ऑफ द रूट है वो माइनस बी बाय ए होता है। सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाय, माइनस बी बाय, उसमें से एक रूट टू माइनस आई दिया हुआ है, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? टू वन प्लस आई अपॉन आई माइनस टू माइनस आई। सॉल्व करेंगे, यू गेट द आंसर। थर्ड मेथड है कि उनका प्रोडक्ट सी बाय ए, मतलब टू माइनस आई अपॉन आई होता है, उसमें से एक रूट टू माइनस आई है, तो सेकेंड रूट क्या हो गया? सेकेंड रूट हो गया टू माइनस आई अपॉन आई डिवाइडेड बाय टू माइनस आई, दैट गिव्स मी वन बाय आई एंड दैट इज माइनस आई। तो दिस बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड द रूट, ये सबसे आसान है, फिर ये है और फिर ये तो अपना पुराना स्टैंडर्ड है। तो मेरे कहने का मतलब कि कॉन्जुगेट में रूट होंगे वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। सम का फॉर्मूला एप्लीकेबल एवरीवेयर, प्रोडक्ट का फॉर्मूला एप्लीकेबल एवरीवेयर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि अगर कॉम्प्लेक्स पॉलीनोमियल है तो भी फॉर्मूला तो लगेगा, सम ऑफ द रूट चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चलेगा, लेकिन कॉन्जुगेट में रूट होगा वो स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें लिखा था अलग से क्या, इफ ए बी सी आर रियल। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि के एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड समथिंग समथिंग हैव रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट बोलने के पहले पहले इक्वेशन को सीधा करके लिखते हैं। इक्वेशन को सीधा करके लिखने का मतलब फर्स्ट एक्स स्क्वायर का टर्म, देन एक्स का टर्म एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म। तो के प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। रियल एंड इक्वल रूट का मतलब डी विल बी इक्वल टू जीरो, खत्म होगी बात, डी को जीरो करेंगे आंसर आ जाएगा। दैट गिव्स मी के प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए एंड सी, के स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स के माइनस, दैट गिव्स मी के स्क्वायर प्लस टू के माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। के का वैल्यू माइनस सेवन एंड फाइव, तो फॉर्मूला लगाएंगे के का वैल्यू माइनस सेवन और फाइव आ गया, तो माइनस सेवन रखो या फाइव रखो दोनों केस में इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसका एक रूट फोर है, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो आपको क्यू फाइंड करना है, क्या करें? पॉज करके सॉल्व कर लो, आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स है उसका एक रूट फोर है, एक रूट फोर अगर है तो गोल्डन फॉर्मूला से व्हाट वी डू, वी सैटिस्फाई दैट, दैट गिव्स मी पी इक्वल्स टू माइनस सेवन।
फिर कहता है इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा। खत्म, बी का वैल्यू। सो व्हाट इज क्यू, क्यू इज पी स्क्वायर बाय फोर, मतलब 49/4। तो बेसिक नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वन बाय वन वेरी इजिली। कॉन्सेप्ट आपको सारे क्लैरिटी आ चुकी है और प्रैक्टिस की बात है, विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड।